एटमी तवानाई से चलने वाला बिजली का मंसूबा, उसके ऊपर हमने आज सुबह मुआहदा किया है। ये 3.5 अरब डॉलर से इसके ऊपर लागत आएगी। याद रखना मेरी बात, ये कभी भूलना नहीं, चीन पाकिस्तान का वो दोस्त है जो कभी बुरे वक्त में ना कभी उसने पाकिस्तान को छोड़ा ना कभी छोड़ेगा इंशाल्लाह। ये कैमरा है, लाइव जा रहा है, मैं ये बात बिला खौफ तर्दीद कह सकता हूँ कि ये उर्फ आम में ये बात चलाई कि शहबाज शरीफ ने जो सी पैक के जो मुआहदे थे 45% कमीशन का, ये अंदाज़ा करें। 4 साल जो मुझे जेलों में घुमाते रहे इमरान न्याजी, कभी किसी केस में कभी किसी केस में, तो साबित सबूत ले आते ना, ना साफ पानी में, ना आशियाना में, ना किसी और में, तो बेबात सुनने मैं बात कर रहा हूँ। आज अभी आज सुबह मैंने चीन के साथ हमने एक और यानी एटमी तवानाई से चलने वाला बिजली का मंसूबा, उसके ऊपर हमने आज सुबह मुआहदा किया है। ये 3.5 अरब डॉलर से इसके ऊपर लागत आएगी। नवाज शरीफ का ये विजन था। 1990 में मियां नवाज शरीफ चीन गए थे और वहाँ पर न्यूक्लियर तवानाई का एग्रीमेंट किया था। उसके बाद नवाज शरीफ के दौर में यहाँ पर एटमी ये प्लांट लगे जो बिजली पैदा करते हैं, चश्मा में भी, कराची में, मैं ख़ुद उसका एक का इफ्तिताह करके आया हूँ। और आज जो मुआहदा हुआ है, ये सुनने वाली बात है, चीन पाकिस्तान का, याद रखना मेरी बात, ये कभी भूलना नहीं, चीन पाकिस्तान का वो दोस्त है जो कभी बुरे वक्त में ना कभी उसने पाकिस्तान को छोड़ा ना कभी छोड़ेगा इंशाल्लाह। सऊदी अरेबिया भी इसी तरह पाकिस्तान का बेहतरीन इस्लामिक बरादर दोस्त है, मुल्क है, उसने हमेशा पाकिस्तान की किसी शर्त के बगैर बिला मशरूत मदद की, जिस तरह चीन पाकिस्तान की मदद करता है। UAE है पाकिस्तान का एक ब्रदर मुल्क दोस्त, कतर है पाकिस्तान